झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में चर्चा होगी यहां पर कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार के बारे में और आज के राशिफल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे आज का राशिफल, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसी पर। शुभ प्रभात अखिलेश शाठी जी एवं मार्केट एम के सभी दर्शक बंधु, आप सभी का धन्यवाद। मैं कर्नल अजय सिंह अजयस्टो मनी ग्रुप फर्स्ट लेवल स्टॉक मैनेजमेंट चैनल के आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 20 मई 2022 कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं बाजारों के सितारों की आज का राशि। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अभी तक के तीन राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको रखनी है अधिक सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये है पृथ्वी तक की राशियां, निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, करूं ना करूं, रुक जाऊं, पूछ लू, देख लू, समझ लू, इस तरह की असमंजस की स्थिति रह सकती है, सावधान रहिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये है वायु तत्व राशियां, आज सभा का दिन आपके लिए शुभ ना रहे। आपकी गुलबाजी में किया गया काम आपको नुकसान पहुंचा सकता है, सावधान रहिए। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये है जनतत्व राशि, निश्चित की तरफ इशारा कर रही है। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर नफा नुकसान। गौरतलब है कि आपको सब कुछ पता है, जानकारी पूरी है, ऐसा भी पास है, नॉलेज भी पूरी है, उसके बाद भी कई बार आप जो खा जाते हो, ये सब आपके ग्रहों का ही कमाल होता है। भारतीय ज्योतिष के अंदर तत्वों यानी एलिमेंट का बैलेंसिंग के अंदर बड़ा नाम किया है, बड़ी क्योंकि यदि तत्वों का बैलेंस नहीं है यानी अग्नि का संबंध यदि वायु से है तो अग्नि तीव्र प्रचंड रूप दिखा देती है, लेकिन अग्नि का संबंध यदि जल तप से हो जाए तो जल तप के लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाती है, साथ साथ अग्नि तत्व भी परेशानी में आ जाता है। तो यदि आप एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है या कारोबार या नौकरी पेशा है, अपने तत्वों से संबंधित काम करेंगे तो आपको अधिक लाभ होने की चांसेस की संभावना है। कहा जाता है कि यदि आपने पढ़ाई क्यों की है उससे संबंधित प्रोफेशन या काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। पढ़ाई आपकी रुचि के अनुसार है तो आप उसमें ज्यादा सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये का राशियों के आधार पर आपका नाप अनुसार। जी अखिलेश जी, जी कनर जी, यहीं से कनर जी रुक करें अगर कम्युनिटी बाजार की तरफ और कृषि फसलों की चर्चा की जाए तो मसालों में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं कि धनिया और जीरे में कल से जो निचले स्तर देखने को मिले थे उनसे हल्की सी रिकवरी हुई है, तो आज के संभावना बन रही है जीरे और धनिये के अंदर? देखिए, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि फंडामेंटल मजबूत है, बाजारों की फितरत है, बाजारों का स्वभाव है, बाजारों का नेचर है, वो उतार चढ़ाव पक्का देगा, इसमें कहीं कोई दोहरा या कोई संशय नहीं है। क्योंकि सांस लेनी है तो सांस छोड़नी भी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप सांस लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, तो आपको रोचक पूरा कुंभक करनी ही पड़ेगी। ये बाजारों का फितरत है, कभी बाजार एक तरफा हमेशा चलेंगे तो वो बाजार लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। जो भी कारोबारी है, विश्लेषक है, अनुमान है, उनका अनुमान लगता होता है कि बाजार में यहाँ से तेजी है, यहाँ से मंदी है, तो उस वही बाजारों के अंदर आपको कमाई कराता है। तो दोस्तों, ये कल भी हमने कहा था कि जीरे की जो कल 2-3-4 दिन से थोड़ी सी पिटाई हो रही थी, उसकी प्रमुख वजह अलग अलग है, क्योंकि तेज जीरे की तेजी के वजह से निर्यात जो है वो काफी ऊंचा हो गया था। लेकिन कहा जाएगा, जब तक डिमांड है आपके भाव की कुछ नहीं चलती, भाव की जब चलती है, जब डिमांड आसने नहीं होती है तो बायर अपने मन मुताबिक भावों को तोड़ मरोड़ सकता है। जब आपके पास डिमांड होती है तो बायर के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो
वो सेलर की बात मान लेता है और उनको माननी ही पड़ती है। तो यूरिया के फंडामेंटल मजबूत थे और उसका नतीजा आज है कि आज अच्छा नमूना होने की संभावना है और धनिया के अंदर भी तेजी की संभावनाएं आज इंटर डे में बन सकती है। मैं आपके जरिए दर्शकों को एक बात और कहना चाहता हूं कि इंटर डे ट्रेडिंग और लंबी अवधि की ट्रेडिंग के अंदर फर्क चाहिए। यदि आप 2020 क्रिकेट के मैच की कितनी टेक्निक टेस्ट मैच में लगाएंगे तो रूप से आप फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि 2020 में 20 ओवर में सब कुछ होना होता है, टेस्ट मैच पांच दिन का खेला जाता है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है, इंटर डे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस बनाइए। यदि आप लंबी अवधि की ट्रेडिंग करते हैं तो लंबी अवधि की प्रैक्टिस बनाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिया और दुनिया आज तेजी दिखा सकता है लेकिन टाइमली मुनाफा जरूर वसूल कर लेना, क्योंकि तो फिर हाथ मरना पड़ सकता है। ये जी जी कन्हैया जी, ये सर कन्हैया जी बात करें अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में भी कल को हमने नरमी आते हुए देखी थी, आज देख रहे हैं कि कीमतें थोड़ी सुधरी हैं लेकिन गवाह सीड 5900 के लेवल पर आ गया है। तो अब आपको क्या लगता है गवाह सीड यहां से अब कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है? देखिए ग्वार कॉम्प्लेक्स तो लेवल पे 5850 ये तकरीबन नीचे के लेवल है और ऊपर के लेवल है 6400 के आसपास के, तो इसी रेंज के अंदर गवार की मूवमेंट होती है और खासकर जब कटिंग का टाइम आता है, मंथली के निपटान का आता है, उसके टाइम लगते हैं तो कारोबारी तो उनके लिए रखनी चाहिए। नंबर वन की यदि कोई रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर और आपको उसके फंडामेंटल और उसके अंदर आप तेजी देखते हैं तो उसको आगे वाले महीने का उसको आपको ट्रेड लेना चाहिए। और जब भी वॉलिटिलिटी आती है, बाजारों में गिरावट होती है, तो उस वक्त उसको हेज करने के लिए करंट मंथ के अंदर उसको शॉर्ट करना चाहिए और जैसे ही वो वॉलिटिलिटी धीरे धीरे समाप्त होती है तो आप उसके अंदर करंट मंथ के अंदर आपने हैच किया हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको मार्जिन के लिए आपका ब्रोकर आपको बड़ा परेशान नहीं करेगा, दूसरा चीज आप वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट में हैच यदि कर लेते हैं तो आपके लिए मानसिक स्ट्रेस नहीं होता है आपको। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि एक तरफा बाइंग कर रहे हैं भी आती है, उसमें गिरावट आती है तो उसके अंदर फिर परेशानी पर परेशानी आ जाती है और वही परेशानी उसको जल्दबाजी के अंदर अपना सौदा काटना पड़ता है, क्योंकि भारत उन चुनिंदा लोगों में से चुनिंदा देशों में से एक है जो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हेजिंग का भी इस्तेमाल करने का पूरा मौका देता है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं हर देश के पास नहीं है। और क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद में जो ये डिमोनेटाइजेशन हुआ और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पे हुआ, ये सारी चीजें भारतीय निवेशकों को बहुत आगे लेके गई है। तो मेरा कहना ये है कि जो भी व्यवहार में काम करना चाहता है वो उसको इन ये प्रैक्टिस अपनाएंगे ये तो उनको समयतर नुकसान होने की संभावनाएं कम होगी और मुनाफा अधिक हो सकता है। तो व्यवहार के अंदर पोजिशन आज मजबूत हो सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये क्लियर जी कन्हैया जी, ये से कन्हैया जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो इंडोनेशिया की तरफ से बयान आ चुका है कि वो अगले सोमवार से जो पाम तेल के निर्यात पर बैन लगाया हुआ था उसने उसको हटा देगा। अगर ऐसा होता है तो खाद्य तेलों के बाजार पर कितना असर पड़ेगा? क्या है कि यदि उनके पास इतना प्रचुर मात्रा के अंदर पाम तेल है, ताड़ का तेल है, तो फिर वहां पर महंगाई, वो इतना महंगा अपने देश में क्यों बेच रहे हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि वो निर्यात करेंगे तो वहां का इन्फ्लेशन और वहां की महंगाई को कौन रोकेगा? तीसरी चीज, रोकने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाएंगे कि उनका जो प्रोडक्शन अचानक ओवरनाइट बढ़ जाएगा या उनके पास ओवर स्टॉक आ जाएगा, तो स्टॉक जो लोगों ने अभी दबा सामने आ जाएगा।
वाली बात है, क्योंकि कोई भी देश अपनी जनता को भूखा मरने नहीं दे सकता और बाहर के लोगों को दूध मलाई नहीं खिला सकता। यह है कि जो प्रतिबंध है, मेरा मानना यह है मात्रा में होगा, इसका कोई खुलासा नहीं है, किसने लेवल पे होगा ये कोई खुलासा नहीं है। काम इंडोनेशिया में नहीं घटेंगे या तो नहीं होगा, पहला उनका रुख था, लेकिन जब पूरे विश्व से दबाव पड़ने लगा, क्योंकि इंडोनेशिया ऐसी कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि जो अपनी मर्जी से चला ले, तो उसके वजह से उसको जवाब में ये निर्णय शायद लेना पड़ा हो। लेकिन जो मैंने तीन बिंदु आपको बताए हैं वो अभी भी उसने उस सरकार ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, और जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे उसके ऊपर बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट का बैन हटने से खाद्य तेलों में बेहताशा कमजोरी आ जाएगी। और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 55-60% खाद्य तेल बाहर से आयात करता है, और हमारी जो उपलब्धता है हमारे यहाँ वो बहुत कम है। अब आप देखिए कि यदि आप सरसों पर भी देखते हैं, सरसों फरवरी के महीने में 8,500 रुपए बिक रही थी, जबकि मार्च के अंदर सामने के किसानों को और व्यापारियों को फसल लहराती नजर आ रही थी, और वो ये भी था कि वो 100 लाख 110 लाख टन की उम्मीद भी बता रही थी, रकबा भी बहुत शानदार था। फिर फरवरी के अंदर 8,500 रुपए की फसल क्यों बिकी, अब सरसों के अंदर गिरावट है करीबन 1,500-1,600 रुपए की। तो पॉइंट यह है कि तेजी और मंदी के हम कारण ढूंढ के उसके ऊपर मत देते हैं, जबकि मंदी और तेजी का सीधा संबंध डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है, ये अक्सर माना जाता है, ये इकोनॉमिक का रूल कहता है। तो ये जो बैन उठाने की चीजें हैं और या बैन लगाने से जो चीजें हैं, ये मुझे कोई इसमें तर्क कम नजर आ रहा है। ये खरीदी जी कन्हैया जी, यहीं से कन्हैया जी बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आज बुलियंस में क्या संभावनाएं बन रही हैं? आपको याद होगा कल हमने आपके साथ इसी टाइम पर एक शो किया था, उसमें यही कहा था कि बुलियन को बेचना नहीं है, शॉर्ट सेल नहीं करना है, और कल बुलियन में अच्छी मूवमेंट, गोल्ड और सिल्वर ने बाउंस बैक किया और शानदार बाउंस बैक किया। उम्मीद है कि मार्केट टाइम के सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा, शानदार लाभ उठाया होगा। आज भी मैं यही कहूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड की और सिल्वर की पोजीशन कमजोर नहीं है, तो और ये भी ध्यान रखना है कि आगे दो दिन हॉलीडे हैं, यानी सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो बहुत भी पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहिए और मुनाफा मिलने का मुनाफा लेना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने से बचना चाहिए। ये अपील जी कन्हैया जी, मेटल्स में क्या लगता है आपको, बेस मेटल्स में आज रुझान कैसा रहेगा? बेस मेटल्स के लिए देखिए, जो खासकर फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल्स की मैं आपसे चर्चा करूंगा। स्टील ने बहुत हैरान परेशान पिछले दो तीन हफ्ते से निवेशकों को किया हुआ है, व्यापारियों को किया हुआ है, कोयले के दाम बढ़े हुए हैं, बिजली की कटत है, उसके बावजूद भी स्टील के दाम बाजारों से बिक्री बिल्कुल नकारात हो रही है, और यही वजह है कि स्टील के जो लोहा के जो सेकेंडरी मार्केट के जो फीस उसके हैं उसके दाम नीचे से गिरे। अब पॉइंट यह है कि लोहा जो है वो विश्व का सबसे सस्ता मेटल है, बाकी जिंक लेड कॉपर ये सब उससे महंगे मेटल्स में आते हैं, तो अब निचले स्तर पर इसके अंदर एक बाउंस बैक हो सकता है। जैसे कल भी मैंने आपको कहा था कि कल स्टील ने काफी अच्छा बाउंस बैक दिया था, आज भी मुझे लगता है कि स्टील में बाउंस बैक हो सकता है, और खासकर जो कॉपर एल्यूमिनियम जिंक लेड है उसके अंदर भी मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इसके अंदर आने वाले 10-15 दिन के अंदर कुछ रंगत बन सकती है, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम जिंक इसमें करीबन 20% की एवरेज जो है 17-22% तक की गिरावट अलग अलग मेटल्स में देखी गई थी, बेस मेटल्स में पिछले एक महीने में, और अभी हम साल 2021 का मई का महीना भी अभी हम लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल वैसा का ही नजारा नजर आया है। अभी शेयर बाजार के अंदर देखें तो मई साल 2021 मई में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का डूबा था,
कल की तारीख में भी लगभग 7 लाख करोड़ एक ही दिन के अंदर स्वा हुआ था। तो पॉइंट ये है कि ये सब दर चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे रिकवरी होनी चाहिए। ये कहिए जी कनेजी जी, स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आज स्टॉक मार्केट में कैसा रुझान रह सकता है, किन स्टॉक्स में मंदी तेजी रहेगी आज? देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर मेरा रुख बिल्कुल क्लियर है कि तीन तरह के जो लोग बाजारों में हैं, एक जिन्होंने अभी तक शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है, वो लोग एक, नंबर टू जिन्होंने शेयर बाजार में ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, नंबर थ्री जो सिर्फ देखना चाहते हैं। तो जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है उनको कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो उसको लिए ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है उसमें निवेश करने के लिए। अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स आप ढूंढिए और अपनी क्षमता अनुसार निवेश कीजिए। नंबर टू जिन्होंने ऑलरेडी निवेश कर रखा है उसके लिए एक मैं एक चूट पढ़ रहा हूँ, एक बहुत शानदार निवेशक है जो नामी निवेशक है बसंत महेश्वरी जी, दिग्गज निवेशक माने जाते हैं और ये लेखक भी है। इनका ये कहना है कि भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर में अधिकतर फंड मैनेजर केवल अगली तिमाही पर ध्यान केंद्रित करने वाले पोजिशनल ट्रेडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और उनका फोकस लंबी अवधि के निवेश पर है ही नहीं, इसलिए निवेशकों को गिरावट आने पर बड़ा घाटा हो रहा है। ये बसंत महेश्वरी जी का कहना है जो कि एक दिग्गज निवेशक है और लेखक भी है। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि बाजारों के अंदर एकदम से तेजी से जो गिरावट होती है वो गिरावट एफआईज लगातार 7 महीने से पैसा निकाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड ने उसके बराबर की सारी हिस्सेदारी है जो उन्होंने बेची उन्होंने खरीदी नहीं है, घरेलू संस्थागत निवेशक भी पीछे हैं, तो इस वजह से तेजी मंदी हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो छोटा निवेशक है यदि वो सही समय पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदे, यदि मान लो कोई जमीन 50,000 रुपए स्क्वायर मीटर की है और वो किसी भी कारणवश 30,000-35,000 रुपए स्क्वायर मीटर पर मिल रही है, तो यदि जो दूरगामी दृष्टि रखने वाला आएगा वो तुरंत उसको खरीदेगा और वो सोचेगा कि ये तो 20,000 आ जाएगा जमीन, ये तो 15,000 आ जाएगी, और वो ऐसा सोचते रहते हैं, वो दोबारा फिर वो जमीन 50,000 से 70,000 हो जाती है। वही बैंक और फार्मूला शेयर बाजार की है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक की नजर पर रखिए, जैसे ही वो आपकी रेंज में आता है तुरंत तो कीजिए, कभी परेशानी नहीं होगी। दूसरा यदि आप इन्वेस्टेड है और आपके इन्वेस्टेड के अंदर आपकी गिरावट हो रही है तो आपके पास हेजिंग टूल अवेलेबल है जो तो मैंने अभी कहने के, आप मान लो सपोज मेटल स्टॉक्स आपके पास है तो आप मेटल स्टॉक की पुट खरीद कर उसको हेज कर सकते हैं जिससे आपके नुकसान बच जाते हैं, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सामान है, हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता। यदि बारिश आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि छाता आपके पास कहाँ है, आपको पास रेनकोट कहाँ है, पर आपने नहीं है तो उसको आप खरीदते हो, तो उसी तरह से हेजिंग टूल्स का इस्तेमाल करके आप उससे बच सकते हो। तो अदरवाइज शेयर बाजार से बेहद कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको एक शेयर खरीदने का भी अपॉर्चुनिटी देता है और असीमित खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी देता है। 266 लाख करोड़ का हमारा मार्केट कैप था अप्रैल 29 को, जो घटके 249 करोड़ रह गया कल, तो ये जो आशाता ये जो फर्क आया ये अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।